हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसके लिए मैंने गाजर को ग्रेट करके रख लिया है। इसको मैंने थोड़ा मोटा ही ग्रेट किया है। इसके लिए हमें चाहिए चीनी, आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं और मिश्री भी ले सकते हैं, और घी, और कुछ मैंने ले ली है 3 से 4 इलायची, और ले ली है मैंने थोड़ी सी केसर, और मुझे चाहिए दूध। दूध मैंने लिया है 700 ml 3 गाजर के साथ में। इसके लिए लेंगे हम एक कढ़ाई, जिसमें डालेंगे हम सिर्फ 2 चम्मच घी। घी जो है हमें थोड़ा सा ही लेना है, जिससे ये एकदम हल्का फुल्का बने। फिर मैंने इसके अंदर सारी ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से 5 मिनट तक सेकती रहूँगी। इसमें हल्की हल्की स्मेल आने लग जाएगी, इसका पानी थोड़ा उड़ने लगेगा, और हम इसको अच्छे से सेकते रहेंगे। थोड़ा कलर भी इसका जो है वो लाइट हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम हमें थोड़ी सी कम लगेगी। और यहाँ पे ये जो है वो अच्छे से सिकने लगी है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये गाजर सिकेगी तब हमें कैसे पता चलेगा। ये जो है वो काफ़ी खुली हो जाएगी, एकदम चावल की तरह हो जाएगी, चिपकेगी नहीं आपस में, और इसका वॉल्यूम भी हमें थोड़ा सा कम लगने लगेगा। अब जो है हम इसमें दूध डालते हैं। दूध हमें अगर अंदाज़ा ना हो कि हमें कितना दूध लेना चाहिए, तो इसका एक तरीका और भी है कि गाजर जो है वो पूरी भीग जानी चाहिए, मतलब डूब जानी चाहिए दूध के अंदर। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हुए एक उबाल तक इसको खुला पकाएंगे, फिर उसके अंदर लिड लगा देंगे और कुछ देर तक इसको पकने देंगे। 5-7 मिनट पकने देंगे इसको हम अच्छे से, और फिर हटाएंगे, देखेंगे कि इसमें दूध जो है वो थोड़ा कम होने लगा है। अब हम जो इसके किनारे में लग रहा है उसको हटा देंगे, फिर हम इसको थोड़ी देर उबलने देंगे, फिर से हटाएंगे लिड को, और जो साइड में लग रहा है उसको फिर से हटा के, कढ़ाई पर से हटा के दूध में मिक्स कर देंगे। ऐसे करते करते मुझे 25 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं आप, इसका मावा बनने लगा है। अब हम इसके अंदर इस ही कंडीशन में चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने थोड़ी डाली है और देसी शक्कर यूज़ की है मैंने। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो गुड़ या फिर प्लेन चीनी मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली है तो ये भी थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो मैंने इसको भी लिड कर कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है। ये पक रही है तब तक मैंने इलायची और केसर पीस के रख लिया है। केसर को जो है मैंने थोड़ा सा चीनी के अंदर पीसा है, शक्कर के अंदर ही, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चॉप करके रख लिए हैं। अब मैंने लिड हटाई है। अब देख सकते हैं आप, ये अच्छे से पक गया है, चीनी इसमें अच्छे से पक गई है। अपने को ज़्यादा नहीं पकाना है इसके अंदर। मैंने इलायची केसर डाल दिया है और अच्छे से मिलाऊंगी इसको मैं, और 1 मिनट के लिए और पका लूँगी इसको। अब आप देख सकते हैं इसका पूरा अच्छे से पानी जो है वो उड़ चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो चुकी है। ये जो है वो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तभी और थिक हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया हो गया है। चम्मच को छोड़ रहा है, कढ़ाई को भी छोड़ रहा है, साइड साइड में जो है वो उसके घी भी छूटा हुआ दिख रहा है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आप अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय।